हाय गाइस, वेलकम बैक टू मेरे नए व्लॉग में। और गाइस, मेरे बाल की पूरी पैंट बज रखी है। मम्मी ने जूड़ा बनाया था, फिर मैंने बोला मम्मी एक चोटी कर लो, मम्मी ने नहीं किया। और अभी मैं बना रही हूँ पास्ता। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ध्रुव नहा चुका है और खा रहा है यहाँ पे ये मूंग दाल और चना। भिगोया हुआ डेली मैं बच्चों को देती हूँ, आप ही अपने बच्चों को दिया करो, हेल्दी होता है। ध्रुव कैसा लगता है खाने में? गंदा। एक डेढ़ घंटे हो गए इसको दिए हुए, अभी तक नहीं खत्म हुआ। ज्यादा नहीं था, आधी कटोरी से भी कम था ये। नहीं नहीं, डेली खाना है, डेली। अगर तो खाऊंगा नहीं तो सैटरडे खाना पड़ेगा बेटा। आपका सैटरडे का स्कूल भी जाना है। कल जाना है ना। ध्रुव तो स्प्राउट खाते खाते अपना टीवी देख रहे, कार्टून देख रहे, इसके बाद ही पढ़ने बैठेगा 9:30 बजे। आज ध्रुव की ऑनलाइन क्लास नहीं है। ठीक है, अभी मुझे डस्टिंग वस्टिंग पूरी करनी है और देखते हैं आयुषी क्या करी। तो देखो भाई साहब, आयुषी का काम यहाँ मैंने कुछ और बनाया और आयुषी को खाना है पास्ता। तो ये कुकिंग करने में लगी हुई है। ये क्या सूखा सूखा? सूखा सूखा मुझे अच्छा लगता है। ये कैसा पास्ता है इतना सूखा? तुम्हारा ही पास्ता है, तुम्हारा मेरा नहीं है। इतना सूखा मुझे नहीं पसंद, इतना सूखा। हाँ नमक तो डालेंगे ना, क्या क्या डाली है ये तो। अरे इसमें पानी तो डाल देती चाय वाले में। ये दोनों डाला, ये सॉस पूरा मिक्स किया, सोया सॉस, चिली सॉस और रेड सॉस, फिर पास्ता किया। और गाइस देखो ये कितना सामान फैला, ये देख लो। अभी मैं किचन साफ करके गई थी, नाश्ता बनाने के बाद किचन साफ सफाई करके गई थी, इसने इतना सारा फैला दिया। देखो जरा इसकी यही शैतानियां रहती है। अब इसके साथ क्या खाओगी? लॉकडाउन में रहते रहते सीख गई तो। अच्छा लॉकडाउन में रहते रहते सीख गई है। लॉकडाउन का असर तुम्हारे और ध्रुव के ऊपर हुआ है ज्यादा ना, तुम्हें कुकिंग का शौक हो गया, उसका तो कुछ अलग ही है। ए मत बोलो गंदी बात, क्या हुआ मोटा हुआ है तो कम हो जाएगा। सो गाइस मैं इधर मम्मी को बोलो फ्राई चावल बनाने का, पर मम्मी दाल बना रही है। पापा बोले दाल खाना है मुझे, सब्जियों वाली। मेरे को फ्राई चावल आज मेरे को फ्राई चावल खाने का मन है। हां उसका तो अलग ही है, छोले भटूरे इतना खराब चीज है ना, सब उसके जिम्मे होता है। और गाइस मैं अभी कैंटीन से आ गई सामान लेकर, मम्मी को कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। कैंटीन में सामान खत्म था, ठीक है दो लेट पहुंचे ना। क्यों गए? सॉस तो मिला ही, सॉस फ्राई चावल के साथ ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं कम सामान पे फिर भी कंटिन्यू। मुझे अपने लिए एक आंटी लेकर आई है मग कॉफी मग कांच का कैंटीन से, मैं वो ढूंढ रही थी, मुझे मिला ही। आज जब पास्ता बनाते हैं तो थोड़ा सा ही सॉस थोड़ा सारा। सच में फ्राई चावल बनाओ, दाल ही बनाओ? नहीं दाल नहीं, फ्राई चावल। और ये जितनी मैं सब्जियां डाल दूं तुम्हें खाना पड़ेगा, ठीक है? मैं ऐसे नहीं खाना पड़ेगा। क्या कर रहा है? बंदूक से क्या खेलेगा? बंदूक से टीवी तो बंद कर दे, टीवी कौन देख रहा है? नहीं मैं तो नहीं देख रही, शिनचैन देख रहे हैं हम लोग, बंद कर देते हैं। ये ऐसे खेलता है, बनाऊं ये पकड़ू क्या करोगे इसका? पटका या फटका? गाजर का बहुत टेस्टी मीठा है और ठंडा ठंडा है ना, पसंद है। तो इस वाले का थोड़ी बनता है, ये तो दूसरा वाला है। देखो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या करने जा रही हूँ। किधर है ध्रुव? अभी नहीं, अरे बच गया। आए मम्मी देखो इसको, ले खुद लगती उसके साथ। जब वो आते हैं तो मम्मी देखो इसको, तुम लोग किचन से निकलो सारा सामान गिरा दो। लड़ाई देखो, दे दो, अरे दे दो दे दो दे दो, टूट जाएगा टूट जाएगा, दे दो दे दो दे दो दे दो।
हाथ साफ करके आ गई। एक मिनट में मारती निकलो, किचन में से निकलो। मेरे पास पीनट बटर के कितने डिब्बे हैं, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, और एक उधर रखा है उस रूम में। मैं तो भूल ही गई, अभी देना है पीनट बटर। ओ यार नहीं मम्मा प्लीज। मैं कुछ चाकू भी लेना, चाकू भी लेते हैं। ये चाकू बहुत गंदा है ना, काटता ही नहीं है। इन्हो जब से आया तब से खुला भी नहीं है। कितनी सारी सब्जियों की भरमार है, गाजर, टमाटर, बीन्स, सोयाबीन डालो। शिमला मिर्च। तो गाइस ये देखो, ये रहा सारा कैंटीन का सामान, मम्मी कहाँ रखी है। टीवी पे जो टेबल है ना, मतलब टेबल के ऊपर जो टीवी है ना, उसके नीचे मम्मी ने सारा सामान रखा है। टोटल दो बैग है, एक ये और एक ये। इसके अंदर कुछ है जो खाने का मिला है। देखो कितना सारा है सब। देखो पोछा, मेरे को खाने का मन कर रहा है। ये वाला हिल वाला वॉफी है, बहुत कुछ है, इतना सब कुछ। तो गाइस यहाँ पर आयुषी को उरकान आ गया। देखो खाने बैठ गई। तू बटर नहीं डाली? बटर डालो, टेस्टी लगता है। और यहाँ मैं ध्रुव को बिठा दी हूँ टेस्ट की तैयारी करने के लिए। ये मेरे साथ गया था कैंटीन और बोला कि मम्मी आके मैं लर्न करूँगा, और इसने किया नहीं। अभी मैं ज़बरदस्ती बिठा रखी हूँ और अब ये गुस्से में है। क्यों? ओ भाई पीछे से दिख रहा है कुछ तुम्हारा, ठीक कर लो। क्या लोगी? बटर। तो चलते हैं बटर लेने। बटर। अरे यहाँ पर मैं टमाटर भी पका रही हूँ, कि मुझे बनाना है टमाटर का भरता। अरे कितना गर्म हो गया ये भरता, यानी चोखा। ये क्या खाने के टाइम पर, कितनी बार मैंने बोला है कि खाने के टाइम पर कुछ मत खाया करो। इसके अंदर मैं रखती हूँ बटर, लो। अभी आ रही हूँ, तुम करो मैं आ रही हूँ। इतना सारा, इतना कौन खाता है? ये ऐसी खाती है, निकाल निकाल कर, काट काट कर, पता नहीं कैसे। बस भाई महंगाई का जमाना है, बटर कम खाया करो। सीधी सी बात, नो बकवास। सो अभी मैं सुबह में मैं आपको बताई थी कि मैं आज कैंटीन जाने वाली, हो सकेगा तो हाँ बनाऊंगी। तो जैसे मैं घुसी नहाने के लिए, ये आगे मैं अभी नहाई भी नहीं थी, फिर मैं फटाफट भाग के नहाई, नाश्ता की, और जल्दी जल्दी में मुझसे खाया भी नहीं जाता, गुस्सा कर रहे थे कि तुम लेट कर रही हो, लेट कर रही हो। फिर ये मुझे कैंटीन छोड़ दिए और फिर मैं जाके सामान वामान ले ली, ये अपने काम पे चली गई फटाफट। और कैंटीन में सामान नहीं था, फिर भी भीड़ था, लेकिन अच्छा लगता है, मतलब शॉपिंग करना तो सबको अच्छा लगता है ना। सॉस है भी नहीं, अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है? लगता है। ये वाला कितना अच्छा लग रहा है ना, यहाँ पे मैंने मनी प्लांट लगा दिया है तो पूरा भरा भरा लग रहा है, सुंदर लग रहा है ना ये। और ये भी थोड़े से मेलुक चेंज हो गया है पूरे रूम का। लंच बन चुका है और आयुषी बैठ गए खाने। मैं इसको बोली थी अभी कुकर मत खोलो, तुम्हारे पापा को आने में आधा घंटा रह गया है, ठंडा हो जाते हैं फ्राई चावल जल्दी। तो इसको रहा नहीं किया, इसको भूख लगी है। भूख क्या लगी, इसको टेस्टी लग रहा है फ्राई चावल, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे ये पसंद है। तो ये खाने में चलो कोई बात नहीं, बच्चे खाने दो। तो कैंटीन का सामान तो आ गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारा सामान बाकी है। अभी बनिया की दुकान से लाना है सब कुछ, राशन, दाल, आटा, चावल, पता नहीं क्या क्या, फलन ठिकाना सब कुछ लेके आना है। तो देखती हूँ शाम को बन किया तो जाऊँगी, और पता नहीं मुझे आज बहुत नींद आ रही है, मन करा सो जाऊँ। सोऊँगी, अगर अगर टाइम मिला तो जाऊँगी, नहीं तो कल आएंगे, क्योंकि अभी है सामान, मतलब आराम से दो तीन दिन निकल जाएगा, लेकिन ख़त्म होने से पहले ही लाना चाहिए। मैं हमेशा घर पे भी यही गलती करती थी, जब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी ना तो मैं लेकर आती थी, नहीं सॉरी लेकर नहीं आती थी, मैं मंगाती थी। और वहाँ क्या कि दिल्ली है तो सब कुछ मिल जाता है, सुबह 5 बजे वहाँ दुकान खुल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ भी वही हाल है, यहाँ भी ख़त्म होने से पहले मैं चीज़ें मंगा लेती हूँ। तो मैं चाहती हूँ 2-3 दिन अभी है तभी आज, अगर ख़त्म हो गया तो फिर मैं भुलक्कड़ हूँ, मुझे याद नहीं रहेगा। और यहाँ तो दुकान 5 बजे खुलता भी नहीं, दुकान तो यहाँ 10-11 बजे खुलता है। ये वाला सेट अच्छा लग रहा है ना, मस्त लग रहा है ना, इसको क्या पता लिपस्टिक के बारे में इससे पूछ रही।
चलो भाई हसबेंड जी देखते हैं कब आते, जब आएंगे तो खाना खाएंगे, उसके बाद मस्त आराम से एक डेढ़ घंटा सो। बोल तो रही हूँ लेकिन पीछे क्या है ना, सूखे पत्ते गिरते हैं पेड़ से और गाय पक्का 2:30 बजे आएंगी। जैसे मैं सोऊंगी उसी टाइम आती, जैसे मैं सोऊंगी ना उसी टाइम गाय आती है और उनके उनके पैर की वजह से पत्ते दबते हैं और कड़ 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 आवाज आती है, नींद टूट जाती है, नींद नहीं आ रही है, पता नहीं अपने दिनों से सो ले तो अच्छा लगता है। चलो ज्यादा पक पक हो गया, अभी पकोगी। तो गाइस कल ध्रुव और आयुषी दोनों स्कूल जा रहे हैं काफी दिनों बाद। आयुषी बीच में एक दिन गई थी, हाँ ये एक दिन गई थी, उसके बाद फिर से लॉकडाउन लग गया था और इस बार भी सिचुएशन ऐसी है कि नौबत लग रहा है कि लॉकडाउन तो नहीं होगा, लग रहा है कि बच्चों का स्कूल बंद होगा क्योंकि आपको पता है जैसे कि अब थर्ड वेरिएंट आ गया, पता नहीं कौन सा ओमिक्रॉन के ऐसा करके आ रहा है न्यूज में, बहुत ज्यादा डेंजर वाला। और ध्रुव का बिल्कुल नहीं है मन चाहिए, डर लग रहा है, मारेगा तुम्हें, डरपोक। क्यों डर रहा है पता क्यों मुझे नहीं पता, मैं बताती हूँ, इसका कुछ कुछ होमवर्क कंप्लीट नहीं है इसलिए ध्रुव डरा है ना, है ना। हाँ इनको अपना होमवर्क नहीं मिल रहा, वाह बेटा वाह। तो अब मुझे भी टेंशन हो रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि बात यह है कि स्कूल खुलने के एक हफ्ते बाद ही आयुषी के आर्ट टीचर को कोविड हो गया और मेरे सर को, वो अभी और ध्रुव की म्यूजिक सर को हुआ था, लेकिन शुक्र की बात यह है कि दोनों लोग घर से यानी ऑनलाइन क्लास करा रहे थे, ऑफलाइन नहीं करा थे, वो एक दिन भी घर में सॉरी स्कूल में नहीं आए एक दिन भी वो। तो इस बात का शुक्र है कि स्कूल में नहीं फैला है, वो दोनों टीचर अपने घर से ही करा रहे थे। लेकिन ये सुनने के बाद अब ना मन में डर हो रहा है, मन आगे पीछे हो रहा है कि भेजूँ कि ना भेजूँ। और वैसे काफ़ी बच्चे जा रहे स्कूल, 2 हफ्ते हो गए खुले हुए, बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं और अभी क्या है कि मजबूरी है भेजना, इसलिए मैं नहीं भेजती, अभी भी नहीं भेजती मैं, लेकिन मैं भेज रही क्योंकि अब इन लोगों का जो UT2 का टेस्ट है ना वो ऑफलाइन हो रहा है, वो तो परसों या नहीं मुझे भेजना पड़ रहा है। और सोच रही हूँ कि जब जा ही रहे तो चलो स्कूल जाना भेजती हूँ। वैसे तो स्कूल में सेफ्टी है, सब कुछ सही है, एक बेंच पर एक ही बच्चे को बैठा, इसलिए थोड़ा सा मन में तसल्ली है कि चलो टीचर ध्यान दे रहे, फिर भी बच्चे छोटे हैं, बड़े बच्चे समझदार तो होते हैं लेकिन फिर भी छोटे बच्चों को थोड़ा रिस्क हो जाता है, मास्क हटा देंगे या फिर आपको पता ही है हम टच करेंगे। लेकिन मैं लंच नहीं लेके जा रहे हो, नहीं लंच ब्रेक नहीं हो रहा है अभी बच्चों के लिए, हो रहा है लेकिन बहुत कम बच्चे लेके जा रहे, ना के बराबर, अच्छी बात है, किस लिए 8 बजे जाते 12 बजे आ जाते, इसलिए मैं लंच नहीं दे रही हूँ, लंच ब्रेक और 6 से 12 तक का, तो मैं नहीं दे रही हूँ लंच नहीं दे रही क्योंकि 8 बजे जाएंगे अच्छे से नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद 12 बजे आ ही जाएंगे तो किस लिए देना, लंच के टाइम पे तो घर में ही रहेंगे क्योंकि वहाँ जाके लंच खाएंगे शेयर करेंगे, और शेयर करना गंदी बात नहीं, अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन इस हालत में अभी पता है कि कोविड का माहौल चल रहा था, इस टाइम ना करो तो ही अच्छा है। इनके स्कूल के भी बस भी नहीं आ रही, तो आपको खुद लेके जाना पड़ रहा है बच्चों को, तो ये लेके जाएंगे और हो सके तो मैं वापस लेके आऊंगी, मैं ही लेकर आऊंगी इनको, कहा टाइम में मैं ही लेकर आऊंगी। तो फिलहाल ये ब्लॉग यही एंड करती हूँ, देखते क्या होता है, भगवान करे कि शुक्र करो कि कोरोना से चला जाए, हाँ भगवान से दुआ करो कि सब कुछ ठीक हो जाए, बच्चे अच्छे से स्कूल जाए और बच्चे स्वस्थ रहे, हेल्थ इनका सही रहे, बच्चों का क्या हम सबका सही रहे, मैं तो हेल्दी भी नहीं है, मतलब कैसे खेलता तो उसको पक्का चोट लगती है मुझे हर दिन, मेरी हेल्थ तो कभी ठीक होती ही नहीं, जब भी मैं खेलने जाता हूँ आ तो घर में तो मेरे कभी अंगूठे पे लगती है, तो कभी आँख पे लगती है, तो कभी पैर पे पूरा पैर मुड़ जाता है मेरा। कोई बात नहीं, फिर भी स्कूल जाओगे, बहाने मत करो है ना। अरे एक बार जब हम लोग दिल्ली में रहते थे तो मैंने बहाना किया था कि मैं पे इज्जत पर मैं पकड़ ली थी, पर मैं फिर भी भेज दी थी, नहीं फिर एक और दिन मैंने ऐसे बना कि मम्मी को दादी ने बोला अरे पेट दे क्यों भेजो, फिर मैं घर पे रख गई, पर नेक्स्ट टाइम पकड़ लेती, तुमने नहीं किया ये बहुत चालू बनती है लड़की, कभी स्कूल जाने का मन नहीं करता। चलो अभी लंबी छुट्टी तुमने काट ली, ऐसा कभी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ है। एक बार हमारे साथ ये था जब हम लोग दिल्ली स्कूल में पहली बार गए थे ना, तो 2-3 दिन बाद समर वेकेशन स्टार्ट हो गया था, 3 दिन में स्कूल में समर वेकेशन स्टार्ट भी हो गया, लेट से गए थे। सो अभी व्लॉग एंड करते हैं ना गुनू, सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो करना है आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कमेंट्स भी करो भर भर के। आप कमेंट्स नहीं करते हो, कमेंट्स मतलब ठीक है करते हो पर उतना नहीं करते हो, लाइक भी कम करते हो, लाइक भी किया करो और हम लोग का डेली वीडियो देखा करो, एक एक दिन छोड़ के आता है हमेशा देखा करो।
और बेल आइकन को भी जरूर दबाना जिससे कि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो का। तब तक के लिए बाय 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 बाय। खुश रहना, स्वस्थ रहना। स्टे फिट।